और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो राइट नाउ आई जस्ट टुक शावर एंड नाउ आई एम गोना स्टडी मैथ्स। तो अभी सबके एग्जाम्स आ रहे हैं और मेरे भी आ रहे हैं। अभी मैं मैथ्स पढ़ने वाली हूँ बिकॉज मैथ्स कुछ दिन पहले ही पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। सुबह को मैंने वन शॉर्ट लेक्चर देखा था ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल। अभी मैं सोच रही हूँ कि चलो कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेती हूँ फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक एंड फिर टाइम बचेगा तो फ्रॉम आरएस अग्रवाल बुक ऑल्सो, और फिर मैं एसएससी लर्न करूँगी। फर्स्ट लेट्स सर्च मैथ्स बुक। एक्चुअली कल मैंने मैथ्स बुक से पढ़ा था और फिर उसे रख भी दिया था। लेट्स गो। ओके हियर इट इज। कल ही पढ़ा था इसीलिए खोजना इजी हुआ। ओके लेट्स गो एंड स्टडी। बट आई हैव टू मैथ्स बुक और दोनों भी मिल गया मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन जिसका हालत थोड़ा सा ख़राब हो चुका है एंड द नेक्स्ट वन इज दिस जो कि मैंने अभी खोजा। आई थिंक आई गो एंड स्टडी विद दिस वन बिकॉज ऑफकोर्स थोड़ा फ्रेश बुक से ही पढ़ने में अच्छा लगता है। एक्चुअली आई वाज स्टडिंग ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ओनली और मुझे सिविक्स नहीं पसंद है, फिर भी सिविक्स पढ़ना होगा बिकॉज उससे भी दो चैप्टर आ रहा है। तो अभी मैं सिविक्स का एक चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करती हूँ। एनसीईआरटी ही रीड करके समझ आता है एसएससी का चैप्टर। अभी देख लेती हूँ वन शॉर्ट वीडियो, ऐसे समझ में आ जाएगा चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर टाइम मिला मे बी तो मैथ्स पढ़ूंगी। नाउ आई एम गोइंग टू स्टडी सिविक्स। वॉचिंग सिविक्स वीडियो विच आई वॉज सीइंग टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। इट वॉज वन शॉर्ट और बहुत अच्छे से मुझे समझ भी आ जाता है एनिमेशन के थ्रू। और अभी मैं जा रही हूँ एनसीईआरटी पढ़ने सिविक्स का और मुझे एनसीईआरटी बुक मिल नहीं रहा है, पता नहीं मैंने उसे कहाँ पे रख दिया है।
एम डन विथ रीडिंग एनसीईआरटी और अब बस क्वेश्चन आंसर्स देखना है, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एक्चुअली व्हाट आई एम गोना डू राइट नाउ इज सॉल्व मैथ्स. जो चैप्टर मैं अभी स्टार्टिंग में सॉल्व कर रही थी क्वाड्रिलेटरल, वो चैप्टर का अभी भी कुछ कुछ क्वेश्चंस छूटा हुआ है फ्रॉम द एक्सरसाइज, तो मुझे वो सॉल्व करना है. फिर उस वो सॉल्व करने के बाद जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, आई विल सी सम क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर जो कि मैं अभी सिविक्स का चैप्टर पढ़ रही थी. एंड आई डोंट थिंक सो कि आई विल गेट एनी टाइम टू स्टडी क्लास 11th राइट नाउ, बिकॉज अभी एग्जाम में फोकस करना है, अदरवाइज इट विल रूइन माई एग्जाम. एंड सो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं. एंड आई वांट टू शो यू समथिंग. एक्चुअली मैंने अपने डेस्क में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया है एक्चुअली, सो दिस इज हाउ थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया अपने डेस्क पे एंड ऊपर में भी. ओके सो दिस वॉज नॉट देयर इन माई डेस्क टूर वीडियो एंड दिस वॉज ऑल्सो नॉट देयर इन माई डेस्क टूर वीडियो. सो मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है इन माई डेस्क. सो मैंने अपना पूरा डेस्क टूर भी दिखाया है. अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है सो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो. लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, सो गो एंड चेक इट आउट. दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.